देखें, 1956 में पहले स्टील शिपिंग कंटेनर की इन्वेंशन के बाद से लेके अब तक मार्केट में डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ शिपिंग कंटेनर्स जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। और ये जो शिपिंग कंटेनर्स हैं, ये आपका जो ग्लोबल ट्रेड है या जिसे हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कहते हैं, उसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये जो कंटेनर्स हैं ये प्ले कर रहे होते हैं। शिपिंग कंटेनर्स की इन्वेंशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, और अगर से तो आपने इन्वेंशन से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया है। शिपिंग कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल और इन ट्रांजिट मूवमेंट ऑफ मटेरियल, और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो तकरीबन एक दर्जन से ज़ायद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइव मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंटेनर्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और ये फाइव टाइप्स ऑफ कंटेनर जो हैं ये इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो है वो स्टोरेज ऑफ मटेरियल और इन ट्रांजिट मूवमेंट ऑफ मटेरियल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट टाइप्स ऑफ कंटेनर हैं, उनमें द फर्स्ट वन इज ड्राई कंटेनर। देखें, ड्राई कंटेनर जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंटेनर, और ड्राई कंटेनर्स को जो है वो जनरल प्रोडक्ट्स की मूवमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है या जनरल प्रोडक्ट्स की स्टोरेज के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा भी बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इन ड्राई कंटेनर्स का यूज़ करती हैं फॉर मूवमेंट और स्टोरेज ऑफ जनरल प्रोडक्ट्स। फूड इंडस्ट्री भी जो है वो इन ड्राई कंटेनर्स को जो है वो यूज़ कर रही होती हैं, बट फॉर दोज फूड आइटम्स जो कि टेम्परेचर कंट्रोल ना हो। मार्केट में अमूमन 20 फिट एंड 40 फिट साइज़ ऑफ ड्राई कंटेनर बॉक्सेज जो हैं ये मोस्ट कॉमन साइज़ हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और नेशनली और इंटरनेशनली भी जो है वो अवेलेबल होते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंटेनर इज़ फ्लैट रैक कंटेनर। देखिए, फ्लैट रैक कंटेनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ड्राई कंटेनर बॉक्स, और फ्लैट रैक कंटेनर की टू साइडेड वॉल्स होती हैं, और फ्रॉम दी टॉप साइड और फ्रॉम दी सराउंडिंग साइड ये कंटेनर जो हैं वो ओपन होते हैं। फ्लैट रैक कंटेनर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर हैवी मशीनरीज और फॉर हैवी कार्गो या हैवी मटेरियल की मूवमेंट के लिए। और जो ओवरसाइज कार्गो हैं या ओवरसाइज प्रोडक्ट है या ओवरसाइज मशीनरीज हैं, इनकी मूवमेंट्स के लिए भी जो है वो इन फ्लैट रैक कंटेनर्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। और अगेन 20 फिट एंड 40 फिट साइजेस ऑफ फ्लैट रैक कंटेनर्स आर द मोस्ट कॉमन इन इंडस्ट्रीज। थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंटेनर इज ओपन टॉप कंटेनर। देखें, ओपन टॉप कंटेनर इज सेम एज इट इज़ द ड्राई कंटेनर बट विदाउट टॉप, और टॉप के ना होने की वजह से जो बल्क कार्गो लोडिंग है वो बहुत इजी हो जाती है। और जनरली आप जो कोल या आयरन ओर की मूवमेंट्स हैं इनमें इन ओपन टॉप कंटेनर्स को यूज़ होते हुए जो है वो देख सकते हैं। इन 20 फिट एंड 40 फिट आर दी मोस्ट कॉमन साइजेस जो कि इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ कंटेनर इज़ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर। देखें, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स को जो है वो रीफर कंटेनर्स भी जो है वो कहा जाता है, और रीफर कंटेनर जो है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट, और आपकी मीट, पोल्ट्री, फिश, फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री बेतहाशा इन रीफर कंटेनर्स का जो है वो यूज़ करती हैं। और इन रीफर कंटेनर्स की ये कैपेबिलिटी होती है कि ये -65 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है उसे जो है वो ये मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट, अगरचे तो कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हो, तो उसकी मूवमेंट के लिए आप इन रीफर कंटेनर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन, मार्केट में 20 फिट एंड 40 फिट रीफर कंटेनर्स आर दी मोस्ट कॉमन साइजेस जो कि अवेलेबल होते हैं बहुत इंटरनेशनली और नेशनली। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप इज़ टैंक कंटेनर। देखें, टैंक कंटेनर जो हैं ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं फॉर लिक्विड प्रोडक्ट मूवमेंट और लिक्विड प्रोडक्ट्स की स्टोरेज के लिए जो है वो इन टैंक कंटेनर्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। लाइक LNG की मूवमेंट जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि हम रिलेट कर सकते हैं टैंक कंटेनर से। और ये जो टैंक कंटेनर्स हैं ये जो लिक्विड केमिकल्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अगेन, 20 फिट एंड 40 फिट साइजेस ऑफ टैंक कंटेनर्स आर द मोस्ट कॉमन इन इंडस्ट्रीज, और बहुत इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो ये साइजेस जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंटेनर, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और इन टाइप्स ऑफ कंटेनर से रिलेटेड अगर से तो आपका कोई क्वेश्चन हो, देन यू आर वेलकम इन दी कमेंट सेक्शन।